हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव गैलेक्सी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँ, वो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी अगर आप ये फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ले अगर इसको शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज की क्लास का नाम है हिस्ट्री ब्रश। हिस्ट्री ब्रश में दो ऑप्शन है, पहला है हिस्ट्री ब्रश टूल, दूसरा है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में ही बताते हैं। हिस्ट्री से तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री मतलब पुराना जो हो, हमारा बीत गया, जो गुजर गया, जो हमारा माजी है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। मान लीजिए हम इस पेंटिंग पर वर्क कर रहे हैं, कोई पेंटिंग कर रहे हैं, तो हमने इसको ये हिस्ट्री हमारी ये है कि हमारा पेंट इस पर ये हो गया और ये हमने ये कर दिया हमने पेंट इसको। लेकिन हम चाहते हैं कि यार इसको हमने गलत कर दिया, अब इसको चेंज करना चाहते हैं और आगे काफ़ी बढ़ चुके हैं, अंडू कमांड नहीं कर सकते, अंडू से भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करेंगे इनको वापस लाने के लिए। सबसे पहले जाते हैं हम यहाँ पर हिस्ट्री पैनल में। उसके लिए क्या करेंगे, अरे हिस्ट्री पैनल यहाँ से खुला हुआ नहीं है, तो हम यहाँ विंडो में जाएंगे। विंडो पे जाकर ये हिस्ट्री है इसको यहाँ क्लिक कर देंगे, हिस्ट्री हम हमारी यहाँ पर खुल कर आ जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये पेंट कर दिया हमने, यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया, हमारा वापस आ गया और हम वापस अपने उसी स्टेज पर जाते हैं। ये हमारा ब्रश टूल था जो हमने किया था, वहाँ क्लिक किया हमने उस पर और ये हमने यहाँ से चूज़ कर लिया हिस्ट्री ब्रश टूल। और नॉर्मली करना क्या है दोस्तों, हमें इसको यहाँ पर ये इरेज कर देना है। ये क्या किया दोस्तों, हमने इरेज नहीं किया, हम हिस्ट्री को रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ बहुत से मूवीज़ वगैरह में डायलॉग सुने होंगे, कॉमिक में, नॉवेल में, हिस्ट्री रिपीट करना, इसी को हम हिस्ट्री रिपीट करना कहते हैं। ये हमारी हिस्ट्री रिपीट हो गई, आर्टवर्क हमारा जो पहले था जो हिस्ट्री में था वो हमारा आ गया। अब हम इस पर कोई भी वर्क कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, ये वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा हर चीज़ की यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट रहती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री का यूज़ मैं आपको अगली एडवांस लेवल की कोई क्लास करूँगा तो उसमें आपको हिस्ट्री का यूज़ बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। और अब ये इसका दूसरा नंबर है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। आर्ट हिस्ट्री में क्या करते हैं, हम जो हिस्ट्री है हमारी कोई आर्ट बनी हुई उसको हम इसमें कॉपी करते हैं इस आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के ज़रिए। इसको हम वाई प्रेस कर ले सकते हैं या शिफ्ट वाई कर सकते हैं। ये शिफ्ट वाई किया और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल आ गया। यहाँ पर ये सब देखते हैं, नॉर्मल ब्लेंड मोड में क्या क्या, डार्क लाइट यू, ओपेसिटी कितनी रखनी है, प्रेशर दबा कर रखना है कि नहीं रहना, टाइट शॉट, हाँ यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर काफ़ी सारे उसको चलाने के, ब्रश कैसे चलाते हैं। जैसे हिस्ट्री ब्रश टूल हमने यहाँ पर चलाया, ये चलाने देते हैं बहुत, ये नॉर्मली जो एक एवरेज होता है इसको चूज़ करने का, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो टाइट शॉट ही है कॉपी करने के लिए। वैसे कॉपी करने के लिए फोटोशॉप में बहुत सारे और भी मेथड हैं, और भी वे हैं करने के लिए, लेकिन जो हम हिस्ट्री ब्रश टूल के क्लास कर रहे हैं तो इसके थ्रू ही हम आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, हम हिस्ट्री आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल लिया और इसकी कॉपी करने के लिए हम इसके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको पेंट करते हैं इसके ऊपर नई लेयर बनाने के बाद। ये क्या, ये इससे इतने ज़्यादा फाइन नहीं होता है, पता नहीं फोटोशॉप में ये टूल क्यों दिया हुआ है तो हम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, नहीं बड़ा नहीं, ये क्या, ये छोटा ही रखें, मुस्टाच में करेंगे, ये क्या, ये ना ना दोस्त, ये देखिए दोस्तों, ये हिस्ट्री आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का काम है। इसके ऊपर हम पेंट करते रहते हैं तो हो जाता रहता है। ये देखिए फेस हमारा हो गया एकदम वाटर कलर स्टाइल में हुआ है। अब हिस्ट्री ब्रश टूल का एक यूज़ और है, और वन मोर यूज़ है ऑफ हिस्ट्री ब्रश। अब मान लीजिए हमको ये अच्छा नहीं लग रहा तो हमने हिस्ट्री ब्रश लिया और इसके ऊपर हमने ये इरेज कर दिया। अब कॉपी करने का एक तरीका और है,
ये इरेज हो गया, पर हम उसको और चाहें तो इसके ऊपर प्रॉपरली ये हम पेंट कर सकते हैं। देख तरीके दोस्तों, मैं आपको भी दिखाऊंगा, ये हमारा पेंट हो रहा है, ये हिस्ट्री ब्रश का एक और यूज़ है, देखिएगा दोस्तों, ये हमारा ना पेंट हुआ है, ये दिख रहा हमारा नीचे वाला सब निकल कर आ रहा है, ये सब। टूल की नॉलेज होना ज़रूरी है, वैसे तो हम इसको सिलेक्शन बनाकर अगर चाहें तो काट भी सकते थे, लेकिन इसके और भी ज़्यादा जब हम कुछ वर्क करते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ होगा तो वो बेस्ट रहेगा, बिना वजह नहीं दिया गया ये टूल किसी काम का ही होगा। इसको हमने यहाँ पर इतना कॉपी कर लिया, यहाँ पर आ गया हमारे यार्ड वर्क हमारा सीख रहा है रहा। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे छोटी सी क्लास में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा, बाय।